फ्रेंड्स इसमें डालेंगे हम 1/4 कप कॉफ़ी, इंस्टेंट कॉफ़ी है ये जो आम हम कॉफ़ी बनाते हैं, 1/4 कप है, 1/4 कप। और चीनी भी हम डालेंगे 1/4 कप, और पानी मैंने लिया है 1/3 कप। 1/4 कप शुगर, 1/4 कप कॉफ़ी, 1/3 कप वाटर। अब हम तीनों चीज़ों को साथ में मिक्स करेंगे। पहले मेरी चीनी दानेदार है, आप चाहें तो पाउडर वाली लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब तीनों को इतना ब्लेंड करेंगे कि ये क्रीमी, फ्लफ़ी और लाइट हो जाए, वाइट हो जाए कलर में, तब तक हम इसे ब्लेंड करेंगे। और इसको ब्लेंड करने में सिर्फ आपके 3 मिनट लगेंगे। टोटल मुझे इसे क्रीम बनाने में सिर्फ 3 मिनट लगे थे। मैंने घड़ी को टाइम देख के और इस मशीन को चलाया था, तो टोटल 3 मिनट में आपकी ये फ्लफ़ी लाइट क्रीम बन जाएगी, कॉफ़ी क्रीम। ये देखें तैयार है, जब तक इसके पीक्स नहीं बन जाते, ये देखें पीक्स बनने चाहिए, जैसे व्हिपिंग क्रीम बनती है ना वैसे ही। तो इसके पीक्स बन गए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें गिर भी नहीं रहा नीचे और पहाड़ की तरह बन गया। बस अब हम इसे निकाल लेंगे और 1 हफ़्ते के लिए आप किसी भी डब्बे में डाल के रख दें, और जब भी कॉफ़ी पीनी हो रोज़ रोज़ निकाल के ऊपर से ये कॉफ़ी डाल दें, दूध गर्म करें। तो ये देखें अब मैं डब्बे में डाल देती हूँ, इतनी सारी कॉफ़ी है। तो 1 हफ़्ते के लिए पूरा डब्बे में रखें, जब ज़रूरत पड़े आप निकाल सकते हैं, फ्रिज में आप ये स्टोर कर सकते हैं। मैं तो हमेशा ये बना के रख देती हूँ फ्रिज में, जब भी ज़रूरत पड़ती है निकाल के कॉफ़ी बना ली। तो इसे ढक्कन आप बंद करके एयर टाइट जार में रखें। देखें कितनी क्रीमी लाइट फ्लफ़ी है। अब हमें दूध चाहिए, तो टोन मिल्क इसके लिए लें, स्किम मिल्क जिसमें फ़ैट नहीं होता। अगर आप फैट वाला मिल्क लेंगे तो काफ़ी अच्छी नहीं बनेगी। और हमें चाहिए 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर। अगर दालचीनी का पाउडर नहीं है तो 1 इंच दालचीनी इस्तेमाल करें। तो ये देखें मैं 2 कप मेजर करके गर्म कर रही हूँ। 2 कप हम गर्म करेंगे दूध। तो ये मैंने डाल दिया पैन में 1 कप। टोन मिल्क इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, स्किम मिल्क जिसे बोलते हैं, नो फैट मिल्क। दूसरा भी डाल दें कप टोन मिल्क, स्किम मिल्क का। अब हम इसमें 1 उबाल आने देंगे, जैसे इसमें उबाल आ जाएगा फिर हम दालचीनी का पाउडर और हल्दी डाल देंगे इसमें। तो ये इसमें उबाल आ गया है, ये गर्म हो गया है। मैंने गैस को अब स्लो कर दिया था, इसमें उबाल आ गया था। तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी। हल्दी जिसमें करक्यूमिन ज़रूर वो देखिएगा, या अगर पाउडर नहीं है दालचीनी का तो दालचीनी डाल दें, फिर छान लीजिएगा दूध को सर्व करने के वक्त। तो 1/4 टीस्पून डालें दालचीनी का पाउडर, मिक्स करें इसे। दालचीनी का पाउडर और हल्दी डालने के बाद बस हमें इसे 1 बॉयल तक उबालना है और फिर सर्व करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है इसे। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे 1/4 चम्मच, इसे भी मिक्स करें, दोनों को मिक्स कर दें और बस 1 उबाल आने दें, ताकि दालचीनी और हल्दी का जायका दूध में चला जाना चाहिए, बस उतना हमें करना है। ये उबल गया है, ये तैयार है। तो मैंने इसकी गैस अभी स्लो कर दी फिर से। तो बस अब हम इसे सर्व करते हैं। कॉफ़ी और दालचीनी और हल्दी का जायका आ गया है दूध में, मैंने चम्मच से टेस्ट भी किया था। अगर नहीं आया तो 1 और उबाल के लिए उबालें, 1 दफ़ा ऐसे और उबालें। तो अब हम इसे कप्स में सर्व करते हैं, जिस कप से मेजर किया था उसी कप्स में सर्व करते हैं। तो ये टर्मरिक लाटे है, इसका टेस्ट बड़ा अमेजिंग आता है, आप ज़रूर ट्राई करें। कॉफ़ी के कड़वेपन को ये बैलेंस करती है, हल्दी और दालचीनी, तो इसका फ्लेवर अमेजिंग आता है। दालचीनी का मीठापन, कॉफ़ी का थोड़ा कड़वापन। तो अब हम कॉफ़ी निकालेंगे फ्रिज से, जो हमने रखी थी फ्रिज में, और इसके ऊपर ये आप बीट की हुई क्रीम वाली कॉफ़ी डालेंगे। हर 1 कप में 2 टेबल स्पून कॉफ़ी डालेंगे, आप चाहें तो 1 भी डाल सकते हैं अगर कम स्ट्रॉन्ग पीते हैं तो। मैं स्ट्रॉन्ग पीती हूँ तो मैं 2 टेबल स्पून डालूँगी 1 कप में। जब आप इसे स्टोर करके रखेंगे तो ऊपर की ये क्रीम अलग हो जाएगी,
और थोड़ा नीचे लिक्विड हो जाता है रखने से, तो आप चाहें तो दोबारा ऐसे बीट कर सकते हैं, तो फिर ये दोबारा से फ्लफ़ी और लाइट हो जाएगी। तो ये देखें क्रीम डाल दी इसके ऊपर, ये रेडी है पीने के लिए। आप इसको ऐसे पिएं या चम्मच से मिला दें, हल्के हाथों से मिक्स करें, तो ये तैयार है ज़बरदस्त टर्मरिक लाटे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, योर व्यूज़ मैटर्स अ लॉट, प्रेस बेल आइकन बटन, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।